इंडस्ट्रीज श्री राम सुभाग जी हमारे साथ यहाँ डायरेक्टर इंडस्ट्रीज श्री हंसराज जी डॉक्टर आर बत्ता जी और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जुड़े डॉक्टर राजेश गुप्ता जी और इनके सारे हमारे साथी जिनके हमने बात सुनी सिकरी जी संजय सूरी जी मनोज अग्रवाल जी अशोक गोयल जी और सभी उपस्थित आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मित्रों तो मैं आप सबका कर धन्यवाद करता हूं कि बहुत शॉर्ट नोटिस में आज हमारा ये इंटरेक्शन हो रहा है एक्चुअली नहीं भले ही लेकिन वर्चुअली हो रहा है अगर कोविड नहीं होता तो शायद हम इस मुलाकात को और रूप में कर सकते थे बहुत सारी चीजें जो हमने सोची थी वो सारी चीजें एक जगह रह गई लेकिन मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता था एक माध्यम ढूंढ रहा था कि जब भी हमको ऐसा संकट हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश की ही बात में मैं देश की अगर बात कहूं हमारे सामने जब आया है उसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा है और खास तौर से ये आपदा जो पिछले लगभग डेढ़ वर्षों से हमारे देश को हमारे प्रदेश को जकड़ रही है इसमें तो फार्मा इंडस्ट्री का तो बहुत बड़ा सहयोग हमको रहा है और जिसके लिए हिमाचल की ही नहीं हिमाचल के अतिरिक्त पूरे देश की जनता देश का नेतृत्व तो भी आप सबका आभारी है हम उम्मीद कर रहे थे कि ये संकट लंबा नहीं चलेगा और ऐसी सूरत में सब सामान्य हो जाएगा जल्दी हो जाएगा ऐसी हमारी कल्पना थी और शायद मेरे आप लोग भी यही सोचते थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अभी तक और ये दौर अभी तक भी उस तरह से चल रहा है कोविड के संकट का और इस संकट के दौर में जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं उनको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं आप सारी बातों को अच्छी तरह से समझते हैं किस दौर में से हम सब लोग गुजर रहे हैं लेकिन फिर भी मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आप सब लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और पूरा देश मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा है इस आपदा का भी सामना कर रहा है और आपदा के सामने के सामना के सामना करने के साथ साथ में हम सब लोग अपने डेवलपमेंट के प्रोसेस को भी प्रभावित नहीं होने दे रहे इंडस्ट्री चलती रहे ये भी आवश्यक है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भले ही थोड़ी देर के लिए प्रभावित हुए बाधित हुए लेकिन उसके बावजूद भी वो चलते रहे ये भी प्रयत्न प्रयास हमारी तरफ से जारी है और ऐसे में खासतौर से जिस संकट के क्षण में बहुत जिसकी आवश्यकता है वो हमारा फार्मा सेक्टर है फार्मा इंडस्ट्रीज है और आप सबके सहयोग के बिना आज के इस संकट को पार करना ये कभी भी कल्पना भी नहीं की जा सकती है ये संभव हो तो उसमें आप लोग अपनी भूमिका जिस जिस रूप में निभा सकते हैं उसको आप निभा रहे हैं मैं इस बात को लेकर के भी अनुभव कर रहा हूँ महसूस कर रहा हूं कि सरकार का भी बहुत बड़ा हमारा एनर्जी हमारा वक्त सारा इसी संकट को पार करने में लगा हुआ है पिछले डेढ़ सालों से ठीक है हम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को भी गति देने की कोशिश कर रहे हैं हम बाकी चीजों की चिंता भी कर रहे हैं साथ साथ में लेकिन जितना फोकस बाकी चीजों पर हमने जो सोचा था करने के लिए उससे ज्यादा हमको कोविड के इस संकट से बाहर निकलने के लिए हमको काम करना पड़ रहा है और ये आवश्यकता भी है स्वाभाविक रूप से और आवश्यकता के साथ साथ में ये हमारा आ, हमारी प्रायोरिटी भी होनी चाहिए उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं हम इस बात को लेकर के भी चल रहे थे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हमारे हमने कल्पना की थी जिनका जिक्र भी आप सबके माध्यम से कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में अभी हुआ भी है और हमेशा होता भी रहे जब भी आप लोगों से मिलना जुलना होता है चाहे हमारा बल्क फार्मा का इशू है चाहे इसके अतिरिक्त हमारे दूसरे इश्यूज़ हैं जो हमारे एक्सपेंशन के हम सोच रहे थे हिमाचल प्रदेश में फार्मा सेक्टर में बहुत सारी चीजों को जो करने की जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करके हम आगे बढ़े वो सारी चीजें भी प्रभावित हुई हैं इस वक्त थोड़े वक्त के लिए लेकिन मैं हम उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि निश्चित रूप से उसमें हम सफल होंगे वक्त पड़ा जरूर लग जाए भले लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम हुं कामयाब होंगे आगे बढ़ने में अपने लक्ष्य को हासिल करने में हिमाचल प्रदेश में कोविड की स्थिति आपके सामने है उसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल मुझे लगता कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब लोग आजकल शाम को भी आंकड़ा देखते हैं और देश का भी देखते हैं देश का भी देखते हैं और सुबह उठते हैं तो, तो भी इसी आंकड़े के साथ शुरुआत होती है कि नजर मारते हैं कि आज कितना टोटल आंकड़ा आ, एक्टिव केस का हो गया देश में कितने लोगों की दुखद मृत्यु हो गई तो हम सब आप सब इस सारी चीज को इस रूप में आजकल इस दौर में देख रहे हैं जहां तक हिमाचल के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि मामले तो बड़े हैं इसमें तो दो राय नहीं है और मृत्यु भी काफी ज्यादा लोगों की हुई है और ऐसे में एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब हिमाचल प्रदेश में है बद्दी में है आप सब लोग वहां काम करते हुए इस प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व देश भर में कर रहे हैं उस दृष्टि से और देश में एक बहुत बड़ा एक योगदान अपने माध्यम से दे रहे हैं यह हमारे लिए भी सुखद विषय है कि चाहे वो पीछे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात आई उस वक्त भी हिमाचल ने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उस दृष्टि से दिया है और अभी भी जितनी भी जो मेडिसिन कोविड से रिलेटेड जो बनती हैं उनमें भी हिमाचल प्रदेश का एक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है आप सब लोगों के माध्यम से उस काम को हम कर रहे हैं लेकिन जितनी कठिनाई अब हमारे सामने है उन उस उस कठिनाई में हम आप सबके बीच में अपनी बात कहने के लिए भी और आपकी बात सुनने के लिए भी आज के इस दौर में आज के इस, इस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित है हमारे सामने डॉक्टर राजेश गुप्ता जी ने आपका प्रस्ताव रखा है सारी बातों का जिक्र भी हुआ है विस्तार से हुआ है वो आपके जो है जो जो जितने भी इश्यूज है वो तमाम इश्यूज पे मैं तफसील से तो एक एक जाना नहीं चाहूंगा हमारे डायरेक्टर इंडस्ट्रीज और एसीएस इंडस्ट्रीज ने सारे वो नोट किए हैं हमने पहले भी उनसे चर्चा इस बारे में की है कि वो आ, उन सारी चीजों को नोट कर लें और उसके बाद हम अलग से बैठ करके उसके रेजोल्यूशन के लिए उसके समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं उस दृष्टि से प्रयत्न करेंगे प्रयास करेंगे आ, लेकिन ये भी बात सच है कि हम जब हमारा मिलना कम हो रहा है मिलने के साथ हमारा बैठना कम हो रहा है बातचीत कम हो रही तो है तो इशू स्वाभाविक रूप से हैं आपके अपनी जगह है और आज के इसमें तो मैं ज्यादा उन इशूज पर जो आप लोगों ने कहे हैं वो हमने नोट किए हैं उसके सॉल्यूशन में भी हम जाएंगे तो जो रास्ता निकल सकता है वो करेंगे हमारी कोशिश ईमानदार कोशिश हिमाचल प्रदेश में हमेशा रही है कि जो भी आपके ऐसे इश्यूज हैं जहां समाधान की दृष्टि से कुछ चीजें होनी चाहिए उसमें हमने करने की कोशिश की है कुछ किए भी हैं कुछ जगह अभी तक भी थोड़ी बहुत कठिनाइयां हैं। अभी की प्राथमिकता हमारी शीर्ष प्राथमिकता है हम इस कोविड की सिचुएशन को हैंडल करें और इसका समाधान की दृष्टि से जो भी कर सकते हैं वो करें और इस दौर को हम पार करें हमने बेड कैपेसिटी को भी हिमाचल प्रदेश में बढ़ाया है जो हमारी बेड कैपेसिटी जो पहले जो थी वो लगभग चौदह पंद्रह सौ बेड की हमारी कैपेसिटी थी हिमाचल प्रदेश में कोविड के पेशेंट्स के लिए पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट के लिए जो हमने प्लान की थी हमको उसको बढ़ाना पड़ा उस हम उसको थ्री थाउजेंड से ऊपर कर, था, कर दिया है है और अभी हमारा प्लान कि उसको हम तक ले जा रहे हैं और ग्यारह सौ बारह सौ बेड की कैपेसिटी हम बहुत जल्दी एक हफ्ते के अंदर और इंक्रीज करने जा रहे हैं लेकिन मुश्किल हमारे सामने यही आ गई है कि बेड कैपेसिटी बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है हमें उसके साथ में बहुत सारे इश्यूज जुड़े हुए हैं उसके साथ बेड कैपेसिटी अगर बढ़ानी है तो उसके लिए आपको मैन पावर भी चाहिए मैन पावर के साथ साथ में हमको ऑक्सीजन भी चाहिए ऑक्सीजन के साथ साथ में हमको बाकी सारी चीजें जो इस कोविड से रिलेटेड हैं वो सारी चीजें भी उपलब्ध चाहिए हमने आप सबके बीच में वो जिस दिन मेरा बद्दी कुछ दिन पहले आना हुआ था उस वक्त आना क्यों हम उम्मीद कर रहे थे कि दौर इतना लंबा नहीं होगा इतना बड़ा नहीं होगा इतना गंभीर नहीं होगा लेकिन दौर ऐसा आ गया और उस वक्त भी हमने निवेदन किया था कि आप सब लोगों मदद करें और आप लोगों ने मदद करने के लिए कदम आगे बढ़ाया है हाथ आगे बढ़ाया है उसके लिए मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों ने हर तरह से मदद आ आप जिस रूप में मदद कर सकते हैं कुछ लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट सीएम कोविड फंड में किया है कुछ लोगों ने जो है सी में जो मदद जिस रूप में दी जा सकती थी चाहे वो मास्क बा... मास्क देने की बात थी चाहे वो और और चीजें वेंटिलेटर देने की बात थी चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने की बात थी चाहे वो बेड देने की बेड देने की बात थी कुछ जगह और चीजों को लेकर के सैनिटाइजर देने की बात थी ए, हर चीज को मास्क देने की बात थी तो सारी चीजें उस तरह से जिस जिस रूप में जहां से ऑक्सीजन के लिए जो ऑक्सीमीटर है वो उपलब्ध आज की तारीख में बहुत कठिन हो गया एक वक्त वो वो में मिल रहा था आज वो, दो हजार से पार हो गया तो ये ऐसे इश्यूज को लेकर के भी आप लोगों ने किया है हमारे इसमें प्रदेश में उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और हम भी लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और खास तौर से मैं इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि बड़ा संकट जब इस तरह का जब हमारे सामने आया तो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता जितनी कर है वो जनरेशन की एक कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है लेकिन हमने कभी सोचा नहीं, थे, आ, सोचा नहीं था कि भाई ये कैपेसिटी भी हमारी शॉर्ट पड़ेगी और स्टोरेज कैपेसिटी हमको बढ़ानी पड़ेगी और स्टोरेज कैपेसिटी के लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा आपने निवेदन किया सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से जिसमें आप लोगों ने जो हमको खाली सिलेंडर देने में जो मदद की है पूरे प्रदेश भर में चाहे वो कहीं से भी उपलब्ध हुए लेकिन हमने उस मदद के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में लगभग 25 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी इन कुछ ही दिनों में जो है अपनी बढ़ाई है और उसके बिना संभव नहीं था ये क्योंकि पेशेंट जो भी एडमिट हो रहा है उसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस हो रही है और अब की बार इस वायरस ने जिस तरह का स्वरूप लिया है उसमें सबसे बड़ी मुश्किल हमारे हमारे लिए यही है स्प्रेड बहुत फास्ट है स्प्रेड फास्ट होने के साथ साथ ना दूसरा पार्ट ये है कि इसमें इसमें जो फैटल्टी रेट जो है बहुत ज्यादा है नए नौजवानों की दुखद मृत्यु उसमें हो रही है तो उस दृष्टि से ये चिंता का विषय स्वाभाविक रूप से है लेकिन जो आप लोगों ने जो इश्यूज हमारे सामने रखे हैं हम उन बातों को निश्चित रूप से एक एक चीज को लेकर के ये करेंगे जो आप लोगों ने एक बात कही कि जो हमारे जितने भी काम करने वाले जो आपकी इम्प्लॉय हैं लेबर है सब लोगों को जो है वो वैक्सीन प्रायोरिटी के साथ जो उसमें लगाई जाए और इसको हम प्लान करेंगे इसको हम निश्चित रूप से सोचेंगे किस प्रकार से किया जा सकता है लेकिन ये भी बात हमको मान करके चलना पड़ेगा कि भी वैक्सीन की सप्लाई भी बहुत उस तरह की स्थिति में नहीं है हम की जिसको हम बड़े स्केल पर कर सकते हैं हम जो रिदम अभी तक हमने 45 से ऊपर के के लोगों के लिए जो बनाया है जो प्लान बनाया है उसको तो हम इफेक्टिवली हम एग्जीक्यूट करने की स्थिति में हो पा रहे वो चल रहा है हम लगभग इक्कीस लाख का आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में टच कर चुके हैं वैक्सीन के इसमें फर्स्ट डोज में लेकिन फिर भी उसके बावजूद तो जितनी इसकी उपलब्धता हमको और ज्यादा बढ़ेगी तो ये इस बात को हम बैठ करके हम चर्चा कर लेंगे उस अप, उस उपलब्धता में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में खास खास तौर जो जो फार्मा सेक्टर में जो जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको कैसे कवर किया जा सकता है प्रायोरिटी में उनको प्रायोरिटाइज कैसे किया जा सकता है ताकि उनको ये वैक्सीन उपलब्ध हो सके इस बात को निश्चित रूप से देखेंगे दूसरा जो आप लोगों ने जो बस की जो ऑक्यूपेंसी का इशू खड़ा किया कि भी बस में वो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग और एक रिक्वायरमेंट है हमारी आज के इस प्रोटोकॉल को जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक कठिनाई तो है लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है उन सारी चीजों को लेकर के भी आ, थोड़ा कठिन लगता है ये क्योंकि इसमें हमने यही सोच करके की आपकी इंडस्ट्री जो है कोविड फ्री रहे आपके यहाँ पर संक्रमण ना फैले और इसलिए जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है ये सारी चीजें की जाए ये बहुत आवश्यक है ताकि हमारे काम काज को प्रभाव ना पड़े ये बहुत एक जरूरत है जिस चीज को लेकर के हमने अभी तक जो विचार किया था उसके मुताबिक हमने ये सारी चीज की हिमाचल में अभी तक इन दिनों में हमने कोविड कर्फ्यू जो है लागू किया है और कोविड कर्फ्यू में हमने रिस्ट्रिक्शंस की हैं अब की बार काफी की है पहले जब शुरू किया था थोड़ा रिलैक्सेशंस भी में थी लेकिन अब थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस की है और और हो सकता है ये अभी तक ये हमारा ये कोविड करते जो है कोरोना कर्फ्यू अभी तक थोड़ा लंबा चले एटलीस्ट मुझे लगता है कि इस महीने तक ये चलने की संभावना दिखती है क्योंकि अगर हमको कंट्रोल करना है एक तरफ से दो चीजें हमारे सामने जो है एक तो जो संक्रमण को रोकना इस वायरस के ये प्रायोरिटी वो है और उसके लिए ये कोविड कर्फ्यू हुई एक बहुत बड़ा हथियार है जो कंट्रीब्यूट कर सकता है जिसका निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि इसका लाभ होगा और दूसरा तरफ से है हमको ये है कि जो हमारे पास जो लोग जो है जो संक्रमित हो गए हैं जो होम आइसोलेशन में हैं चाहे वो हॉस्पिटल में हैं अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनकी जान की रक्षा करना उनको बेटर हेल्थ सर्विसेज देना वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना ये ये हमारी प्रायोरिटीज है तो इन दो प्रायोरिटीज के बीच में हम काम कर रहे हैं दोनों फ्रंट पर हम काम कर रहे हैं उस दृष्टि से मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे इस दौर से भी जब पिछले दौर में भी हम कामयाब हो गए थे इस दौर में भी हम निश्चित रूप से उस पर कामयाब होंगे और जो इश्यूज आप लोगों ने जितने भी बताए हैं जो ये काला अम का जो सब स्टेशन का जो जो एक इशू बताया है उसका कुछ एक फॉर्मेलिटीज के बारे में जहाँ पर हमारे ए सी इंडस्ट्रीज ने आपके बारे में जानकारी दे दी कुछ आगे बढ़ी हैं चीजें लेकिन उसमें डिले हुआ है उसमें दोहराए नहीं लेकिन जल्दी कोशिश करेंगे इसका भी समाधान हो सके और जो कॉस्ट में जो इंक्रीज का विषय आ रहा है पर्टिकुलरली जो जो इन दिनों में जो जिन चीजों की आवश्यकता है जिन मेडिसिन की आवश्यकता है और वो उन सारी चीजों में कठिनाई तो आई है लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि भी इसका भी जो रास्ता चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बीच बीच में जो हमारी चर्चाएं होती हैं जो बातचीत होती है मीटिंग्स होती हैं उन सारी बातों को वहां पर जहां रखने की बात होगी जो आपने डिटेल में जो सारी बात कही है कि जो क्योंकि जो हमारा माल है उसकी लागत में बहुत बड़ी इंक्रीज हो गई है उसके कारण उसका स्वाभाविक रूप से जो आगे फिर उसका हमारा प्रोडक्शन में उसका वो कॉस्ट को बढ़ाएगा है। तो उस दृष्टि से वो सारी चीज को लेकर के किस तरह से कर सकते हैं उसकी अगर डिटेल्स अगर आप लोगों की ओर से हमको उपलब्ध हो सके हमको ताकि हम केंद्र के साथ जो मामले उठाने के हैं उनको वहां से उठा करके अपनी बात कह करके उसका कोई रास्ता निकलता तो उस दृष्टि से करते रहें अभी जो मुझे आप सबसे विनम्र निवेदन करना है और वो निवेदन यही है कि बहुत बड़ा आपका सहयोग मिला भी है है और लेकिन फिर भी उसके भी उसके बावजूद आप सबसे जो के जो के तहत वो अभी भी जो मदद हमको और भी जिस रूप में मिल सकती है प्रदेश में क्योंकि आवश्यकता बहुत ज्यादा और ये भी संभव नहीं है कि आपसे ही उसकी पूर्ति हमने करनी है लेकिन मदद करते करते हम किसकी जीवन को जिंदगी दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत एक पुण्य का कार्य होगा उस दृष्टि से जो जो भी जिसके माध्यम से हम जो हमारे अपने अपनी इंडस्ट्री के माध्यम से जो प्रोड्यूस हमारे हैं जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं जिनका जिनके इस दौर में जो आवश्यकता है उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो भी एक ये हो सकता है मदद हो सकती है हमारे लिए और इसके अलावा कोविड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं आपको लगता है कि हम इस रूप में मदद कर सकते हैं तो उसमें आप मदद करने के लिए सहयोग करें ये मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है बाकी जहाँ ये दौर समाप्त होगा उसके बाद हम बैठेंगे निश्चित रूप से बैठेंगे जो आपके मसले हैं हमने तो बहुत चीजों को प्लान किया था हमने बहुत सारी चीजों को सोचा था प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आए हमारा फार्मा हाउस जो है वो एशिया में नंबर वन है जिसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करें उसको मजबूत करें आपके जो क्रॉनिक इश्यूज हैं उन इश्यूज को उन इश्यूज का भी हम समाधान करें उन बहुत सारी चीजें जो सोची थी उनमें कई तरह की बाधाएं इस कोविड के कारण आई हैं लेकिन फिर भी मैं आपको जरूर कहूंगा कि आने वाले समय में जब ये दौर समाप्त होगा तो हम बैठेंगे चर्चा करेंगे और चर्चा ही नहीं करेंगे समाधान की दृष्टि से भी कुछ निर्णय करके आगे बढ़ेंगे ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ और आज की इस वर्चुअल मीटिंग में आप सब लोग जुड़े उसके लिए मैं आप सबका कर धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका बहुमूल्य सहयोग हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिला है हिमाचल प्रदेश की जनता को मिला है और मैं क्यों कह सकता हूँ कि हिमाचल की डेवलपमेंट में भी मिला है उसके लिए हम आभारी हैं और इस रिश्ते को इसको हम कायम रखें मजबूती के साथ कायम रखें आने वाले समय में भी जो सहयोग की दृष्टि से हम जो जिस रूप में मदद कर सकते हैं वो मदद का दौर जारी रहे ऐसा मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है मुझे सिर्फ इतनी ही बात कहनी थी बाकी आप लोगों ने जो इश्यूज बताए हैं वो हमारे ध्यान में जो मैंने डायरेक्टर इंडस्ट्रीज मेरे पास बैठे हैं हम बैठ करके उनको एक, एक बार जो है कंपाइल कर लेंगे और उसके बाद आपके साथ एक अवसर ढूंढेंगे बीच में जब हमारी बैठक होगी मीटिंग होगी तो उसमें कुछ चर्चा करके उनका समाधान की दृष्टि से आगे बढ़ेंगे तो एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ आप सबका आभार और आप लोग स्वस्थ रहें आप लोग इस दौर में इस संकट के दौर में जिस तरह से सहयोग दे रहे हैं मजबूती के साथ खड़े होकर के काम कर रहे हैं इसमें आप कायम रहें मजबूती के साथ आगे बढ़े ऐसी में कामना करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद बह नमस्कार